काले धन को पंडित जी सफेद ही नहीं बनाते बल्कि दो केंद्रीय मंत्रियों के पैसे का भी जिक्र करते हैं। इतना ही नहीं, बेनामी संपत्ति का खुलासा भी बड़े आराम से कर देते हैं। पंडित अनिल कुमार जोशी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के फर्जी दलाल के तौर पर उनसे मिलने गए हमारे रिपोर्टरों से मुनाफे का रिश्ता जोड़ने को तैयार थे। अब बारी थी खुफिया कैमरे पर शगुन लेने की। ये हमारी आपकी जो 5 करोड़ की डील हुई ब्लैक एंड व्हाइट थी, उसका 3001 रुपया है। अच्छा। ये टोकन अमाउंट है 3001 रुपया। आप लोग 3 और 1 यही होता है। महाराज जी, इसको एक बार हाथ लगा दीजिए, उठा के ढंग से लगा दीजिए। अब स्वामी जी, ऐसा था महाराज जी, जो हम 5 करोड़ आपको देंगे ब्लैक एंड व्हाइट का पैसा, उसमें से हम ये 3001 रुपए माइनस करके आपको देंगे, क्योंकि ये मेरा शगुन होता है, मैं इसे करता रहा हूँ पहले। आप आशीर्वाद लीजिएगा हमें इसी तरह से। उसमें यह है कि काम जो है वो जो व्यापार है उसमें तरक्की मिलती है। ये याद रहे कि हम पंडित अनिल कुमार जोशी से खुद मिलने नहीं गए, वो खुद दलाल के साथ हमसे मिलने हैदराबाद से दिल्ली आए। सच ही है, माया क्या ना करवाए, इसका छोर पकड़ना मुश्किल है, इसके जाल में फंसना बेहद आसान। तो ये था IBN 7 के बड़े खुलासे, माया का आखिरी चेहरा पंडित कैंपेन के बेशर्मी देखी, खुलकर पूरी बेहाई पर उतर आते हैं और कहते हैं कि छोड़िए 5-7 करोड़ की बात है, मेरी अपनी ट्रस्ट इसे संभाल लेगी। अगर 50-100 करोड़ की बात करते हो तो फिर एक कोऑपरेटिव बैंक भी है, एक मंत्री चलाते हैं, केंद्रीय मंत्री। बिल्कुल, जानबूझ के हम उन मंत्रियों के नाम आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उसको सब्सटेंशिएट करने के प्रूफ नहीं है, केवल उनके मुंह से निकली बात है। अगर हमारे पास प्रूफ होता तो वो नाम भी आपके सामने आज जरूर आते। और अगर हम देखें, हम ये पूरी फेरिस्त है, सातों के सातों बाबाओं की बात करें अगर हम, सुमित, तो कोई कहता है मैं हवाला करता हूं। पायलट बाबा कह रहे थे कल कि जापान में 100 करोड़ भेजने हैं, अमेरिका में भेजने हैं तो मैं कर सकता हूं, यहां पर ये कोऑपरेटिव बैंक को जरिया बना देते हैं। बिल्कुल, और अब बात करते हैं हमारे आज के SMS के, हम इसी जुड़ा एक सवाल भी आपसे लगातार पूछ रहे हैं कि क्या भगवान की आड़ में इंसान को छल रहे बाबाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और आप अपनी राय भेज सकते हैं, SMS करें। अगर आप हाँ कहते हैं तो AKP लिखें, स्पेस दें, Y लिखें। अगर आप कहते हैं ना, हालांकि हमारे खुलासे के बाद शायद आप AKP स्पेस N अब ना लिखना चाहें, राय भेजें, राय आपकी होगी 2622-2622 पर। अभी तक जो आपके जवाब हमें मिले हैं उसमें 95% लोग कहते हैं ऐसे बाबाओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, केवल 5% लोग अभी भी ऐसे हैं जो ये ऐसा नहीं मानते। और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लगातार हमारी नजर इस बात पर है, हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं लेकिन जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अभी भी चुप्पी साधे हैं, हालांकि कांग्रेस ने कुछ बोला है। बिल्कुल, और राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रियाओं की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद तमाम खबरों को जारी रखेंगे।